मेरे साथ मैं स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस में, मेरे साथ मेरे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट दूसरे साहिल शर्मा जी, हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी चेतन वांचू जी, हमारे जम्मू अर्बन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विशु शर्मा जी। और मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग जो हैं कोई नॉमिनेशन सिस्टम से नहीं, हम लोग इलेक्शन, हमने पार्टी का इंटरनल इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन लड़ के हमने अपनी पोस्टें ली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के जो हालात हैं बद से बदतर कैसे हुए, ये कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से हुए, जो हमारे कांग्रेस की यहाँ की लीडरशिप थी उनकी नलायकी की वजह से हुए कि आज हमें बद से बदतर हमारे हालात हो गए। आपने देखा होगा कभी भी जम्मू के हित की बात आई, वोट कांग्रेस को जम्मू के लोग देते थे लेकिन जम्मू के लोगों का सौदा जाके ये कश्मीर करते थे। हमेशा कांग्रेस में जो है कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो है हमेशा कांग्रेस में हावी हुई। कई सारे लीडरों ने, हमारे जम्मू के लीडरों ने यहाँ आवाज़ उठानी, पार्टी में उठानी चाहिए लेकिन पार्टी ने उनको तरजीह नहीं दी। हमने भी कई बारी जो है यहाँ बात उठाई। यहाँ इलेक्शन की बात करते हैं राहुल गांधी जी ने कि हम इलेक्शन, पार्टी में इलेक्शन होगा, डेमोक्रेसी होगी। कौन सी डेमोक्रेसी भाई, 70% मेंबरशिप आपको पेरेंट पार्टी की जम्मू के लोगों ने दी, 30% मेंबरशिप आपको कश्मीर के लोगों ने दी। अगर कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, क्यों नहीं आज तक 60 साल हो गए हिंदू प्रेसिडेंट क्यों नहीं बना कांग्रेस का यहाँ पर? हमेशा कश्मीर के लोग हमारे पे थोपे गए, ऐसा क्यों? जम्मू के, क्या जम्मू के लोगों पे काबिलियत नहीं थी? क्या जम्मू का कांग्रेस का कोई हिंदू लीडर नहीं था कि जो इस कांग्रेस को लीड कर सकता था? लेकिन ये कांग्रेस की हमेशा जो है डोमिनेंस रही, जम्मू हमारे जम्मू के लोगों को हमेशा इन्होंने डोमिनेट किया हर लिहाज से। हमारी मेंबरशिप जो है 70% जम्मू की, 30% कश्मीर की। और जब इन्होंने बोला जी हम मेंबरशिप के बाद इलेक्शन होगा, ब्लॉक लेवल में होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कोई इलेक्शन नहीं हुआ। वो लोग बन के आए कि जिन लोगों के पास पैसा था, पैसे वाले लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए, जनरल सेक्रेटरी बन गए, ब्लॉक में बन गए। उसके बाद हम लोगों के साथ देखिए, यूथ अनएम्प्लॉयड होता है, सोर्स ऑफ कोई इनकम नहीं होता। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके मेंबरशिप की और ये बोलते हैं कश्मीर में कांग्रेस मजबूत कर रहे हैं। 30,000 जम्मू के नौजवानों ने 31,000 मेंबरशिप में से 30,000 मेंबरशिप जो है जम्मू के नौजवानों ने इनको दी, 1,000 कश्मीर से इनको मेंबरशिप हुई। 90% ऑफिस बेयरर हमारे जम्मू के, 10% कश्मीर के। और जब भी मीटिंग करने की बात आती है ये लोग कश्मीर में जाके मीटिंग करते हैं, जम्मू में इनको गर्मी लगती है। यहाँ कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है कि इलेक्शन ईवीएम से इलेक्शन ही होना चाहिए और अपना पार्टी का इलेक्शन, हमारा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन ये मशीनों से कराते हैं। और जब जनता इनको जवाब देती है तब इनको लगता है ईवीएम खराब होगी, खुद तुम ईवीएम से कराते हो और लोगों के लिए बोलते, बाकी वालों के लिए बोलते हैं जनरल इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए।